वो ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है। कह रही जीव परवस है, स्वतंत्र कौन है? बोले परवस जीव स्वस भगवंता, भगवान स्वतंत्र है। और भगवान कौन है? अभी दो दिन पहले मैंने आपको संकेत किया था, एवमेश महान शब्दो मैत्रेय भगवान इति। वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का यही मत है। ये बात बहुत वो ध्यान से समझ लेने की है, क्योंकि यहां पर मति भ्रम उपस्थित हो जाता है। महर्षि पराशर मैत्रेय जी से कह रहे हैं, एवमेश महान शब्दो मैत्रेय भगवान इति, परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः। बोले जो भगवान शब्द है ना, ये मूल रूप से, वास्तविक रूप से तो श्री कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण ही भगवान है, अन्य कहीं भी भगवान शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो एक औपचारिक प्रयोग हुआ है, औपचारिक प्रयोग। लेकिन भगवान शब्द का वास्तविक अर्थ है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जीव बंधा हुआ है, भगवान स्वतंत्र है। और भगवान कौन है? वासुदेवस्य नान्यगः, ऐसा शास्त्र पुराणों का मत है। आप ये ना समझना कि मैं अपना कोई आग्रह रख रहा हूं यहां पर, मैं तो केवल जो पुराणों में कहा है वो आपको बता रहा हूं, शास्त्र की बात से किंचित आपको अवगत करा रहा हूं, क्योंकि इस विषय में बड़ा भ्रम होता है ना। मैं कई बार कहता हूं ना, पीपल को डोरा जो बांध रहा है वो समझता है मैं भी भगवान की भक्ति कर रहा हूं, अनेक अनेक देवी देवताओं की जो पूजा कर रहा है वो समझता है मैं भी भगवान की पूजा कर रहा हूं। वासुदेवं परित्यज्य योन्यदेवं उपासते। पहले श्री कृष्ण को छोड़कर जो किसी अन्य की पूजा करता है, त्रिषितो जाह्नवी तीरे कूपं खनति दुर्मतिः। बुद्ध जन क्या कह रहे हैं? बोले जो श्री कृष्ण को छोड़कर लगा है कहीं और, यहां वहां कहीं, बोले त्रिषितो, बोले ये तो ऐसा ही है जैसे कोई प्यासा गंगा किनारे खड़ा हो। त्रिषितो जाह्नवी तीरे, खड़ा तो गंगा किनारे है पर कूपम खनति दुर्मति ही, लेकिन वो मूढ़मति वहां पर कुआं खोद रहा है अपनी प्यास बुझाने के लिए। ये नहीं देख रहा है कि गंगा की निर्मल अविरल धारा बह रही है, वो गंगा की धारा को छोड़कर तो बोले कुआं खोदने में लगा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, वासुदेवं परित्यज्य योन्यदेवं उपासते। ये जो भाई संत भक्त जो ये गा रहे हैं भगवान की महिमा, भगवत भजन की महिमा, और आपको मुझे विशुद्ध भजन की रीति बता रहे हैं, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो जीवन मुक्त महापुरुष हैं। क्यों कह रहे हैं सूरदास, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए श्याम को। अरे थोड़ा सा जीवन है भाई आप देखो, और हमारा जीवन तो है कैसा, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए। थोड़ा सा जीवन, उसमें भी कितना थोड़ा समय होता है जब मति संत और सत्संग की कृपा से भगवान में जाती है। वहां भी आपके पास अगर 10 जगह हो तो कहां मन लगाओगे, कहां कहां मन लगाओगे। और मैं तो आपको कहता हूं, सदा कहता हूं भाई, दुविधा से बड़ी जीवन की और कोई पीड़ा नहीं है। जिसका जीवन दुविधा में पड़ा है ना, इससे बड़ी और कोई पीड़ा नहीं है। ये दुर्दशा है अगर जीवन दुविधा में पड़ा, एक मार्ग अगर नहीं मिला है, यही जीवन की दुर्दशा है। और हमने तो 10-10 मार्ग बनाए हैं, कभी यहां कभी वहां। अब कोई कहेगा कि भाई हमारे ही शास्त्रों में पंचदेवोपासना की बात कही गई है। सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन कब तक ठीक है? जो लो तोहे नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो। जब तक श्री कृष्ण ना मिले हो तब तक वो सब ठीक है, करिए खूब करिए, लेकिन जब श्री कृष्ण का आश्रय हो जाए, श्री गुरु की कृपा से कृष्ण नाम मिल जाए, संतों के मुख से कृष्ण कथा मिल जाए, और फिर श्री कृष्ण का ये धाम मिल जाए, इसके पश्चात अगर कोई कहीं अन्यत्र देखता है तो उसके लिए बुद्ध जन कह रहे हैं, त्रिषितो जाह्नवी तीरे कूपम खनति दुर्मति। बोले वो मूर्ख तो गंगा किनारे खड़ा होकर कुआं खोद रहा है, कृष्ण को मिलने के बाद फिर क्यों जाए मति यहां वहां। भगवान ने गोपियों को अच्छी बात ही तो कही थी, धर्म की जो आज्ञा है वही तो भगवान सुना रहे थे, शास्त्र पुराण में जो लिखा है वही तो श्री कृष्ण कह रहे थे, भाई आधी रात का समय है, तुम अपने घर परिवार को छोड़कर इस प्रकार यहां पर पुरुष के पास आ गई हो। तो गोपियों ने कहा, हैं तो आप जगत गुरु, बोले थोड़ा सा पाठ तुम हमसे भी पढ़ लो, एक तो तुम्हारी बात ठीक नहीं है, भले हम छोड़कर तो आई हैं,
लेकिन किसी पर पुरुष के पास नहीं आई है, हम परम पुरुष के पास में आई हैं। हम किसी पर पुरुष के पास नहीं गई हैं, हम परम पुरुष के पास में आई हैं। और ये जिस धर्म का उपदेश आप हमें दे रहे हैं ना, इस धर्म का पालन आप तक पहुंचने के लिए ही किया जाता है। आप तक पहुंच जाने के बाद, आप तक पहुंच जाने के बाद फिर तो एक ही धर्म रह जाता है। जब आप सन्मुख हो, जीव आप तक पहुंच जाए, जीव की गति संत गुरु की कृपा से आप तक हो जाए, आप तक आने के बाद तो फिर एक धर्म रह जाता है, और वो क्या है? जी करे कोल बैठी रहा, बैठे बैठे मैं तकदीर रहा। फिर तो यही धर्म रह जाता है।